लगभग 7 से 8 दिन बाद मैं अपने घर से निकली हूँ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने के लिए। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैं कब लास्ट टाइम निकली थी, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मुझे, क्योंकि जब आप घर पे रहते हो आपको दिनों का अंदाज़ा नहीं रहता कौन सा मंडे या ट्यूसडे है या आज क्या है या कब निकले थे। हर दिन आपके लिए सेम ही रहता है। तो वही हो रहा है कि मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं है कि मंडे है या ट्यूसडे है, मैं कब निकली थी। यहाँ नॉर्थ में इतना लॉकडाउन नहीं है अभी, पर साउथ ऑफ जर्मनी में काफ़ी कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है। एक बवेरिया करके एक स्टेट है जहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन है, और भी काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉकडाउन हो चुका है साउथ ऑफ जर्मनी में। मैं नॉर्थ ऑफ जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ पे इतना लॉकडाउन अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे आप निकल सकते हो बाहर अपनी ज़रूरत की चीज़ें को लेने के लिए, और यहाँ रोड पे भी आप देखोगे कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपना ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। पहले यहाँ पे 4 से 5 लोगों का साथ में निकलना और पार्क में जाना और रेस्टोरेंट में खाना खाना अलाउड था, पर कुछ दिनों में कुछ यंग लोगों की वजह से जो कि पार्टी कर रहे हैं और काफ़ी घूम रहे हैं इधर से उधर और ग्रुप्स में, बड़े बड़े ग्रुप्स में बैठ रहे हैं क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स और ये सब बंद हो चुका है यहाँ पर, और इसीलिए जर्मनी ने भी लॉ स्ट्रिक्ट कर दिए। अब यहाँ पे 4 से 5 नहीं, आप सिर्फ 2 लोग से ज़्यादा में बाहर नहीं जा सकते, और वो 2 लोग भी वो जो कि या तो सेम फैमिली के हैं या फिर एक सेम अपार्टमेंट में रह रहे हैं। जैसे मैं अपने एक फ्लैटमेट के साथ बाहर निकल सकती हूँ, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर्स और हेयर कट सलोन सब बंद कर दिया है। और अगर आपको रेस्टोरेंट में से कुछ लेना है तो आपको कॉल करके ऑर्डर प्लेस करना है और सिर्फ वहाँ पर अपना पिकअप करने जाना है, ये नहीं है कि आप वहाँ पे बैठ के खा रहे हो। और आज मैं यहाँ अपने घर के पास ही एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं अपनी ज़रूरत का, डेली खाने पीने का सामान लेने के लिए, तो मैं आज यहाँ पर आई हुई हूँ। यहाँ पे यूजुअली बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पर आज बहुत ही कम कार्स हैं, पर हाँ यहाँ पे हैं कार्स और लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। जब पिछली बार मैं यहाँ पे आई थी तो पूरा का पूरा सामान यहाँ पे लोगों ने ख़त्म कर दिया था, लोगों ने सारा सामान खरीद लिया था और दुकानें खाली हो गई थी। टॉयलेट पेपर नहीं था, और आज मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कितना भरा हुआ है या फिर कितना सामान है, क्योंकि मैं 1 हफ्ते बाद आई हूँ, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं तब से अब तक के लिए। जैसे पहले यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, पर अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि आपको एक दूसरे से 1.5 से 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखना है। तो देखते हैं कि आज यहाँ पे लोग कितना इस रूल को फॉलो कर रहे हैं और कितना यहाँ पे डिस्टेंस बनाए हुए हैं एक दूसरे से। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारा भरा हुआ है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, सारे यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। और यहाँ पर भी आपको कुछ लोग इस रूल को ब्रेक करते हुए दिख जाएंगे, जो कि हर जगह कोई ना कोई रूल ब्रेक करने वाले होते ही हैं। मैंने अपने लिए कुछ सब्जियाँ ली और फिर मैं पहुँची मिल्क और डेयरी वाले सेक्शन में, जहाँ पर पूरा सेक्शन भरा हुआ था। पिछली बार की तरह नहीं था जो सब लोगों ने सब कुछ खाली कर दिया था, इस बार बहुत सारी वैरायटी थी और सब कुछ एक्चुअली में भरा हुआ था यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग हैं, पर ऑलमोस्ट पूरा खाली ही था सुपरमार्केट, और सारे शेल्फ्स भरे हुए थे, सब कुछ था। हाँ, पर मैंने देखा कि यहाँ पे टॉयलेट पेपर अभी भी नहीं था। और फिर मैं अपना कुछ ज़रूरत का सामान लेते हुए और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए चेकआउट काउंटर पे पहुँची। यहाँ पे मैंने देखा कि सिर्फ 2 काउंटर्स ओपन हैं, और फिर मैं लाइन में लग गई। और फिर मैंने नोटिस किया कि नीचे ज़मीन पर लाइंस खींची हुई हैं जो कि 1.5 से 2 मीटर के डिस्टेंस पर खींची हुई हैं, तो मैं भी इन लाइंस पे खड़ी हो गई। और मैं देख रही थी कि इन लाइंस को और इन रूल्स को सब फॉलो कर रहे हैं।
जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि लोग यहाँ के सोशल डिस्टेंसिंग को कितना सीरियसली ले रहे हैं और कैसे फॉलो कर रहे हैं। कल मेरे साथ एक ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन हुआ, जैसे कि यहाँ पे दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते और बंद होते हैं दुकानों के, तो जब मैं दुकान में घुसने के लिए हुई तो वहाँ से एक अंकल बाहर से आ रहे थे और मुझे अंदर घुसना था, तो हम दोनों कुछ सेकंड्स के लिए वहीं पर खड़े हो गए क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि 1.5 से 2 मीटर का डिस्टेंस हो पाएगा अगर हम क्रॉस करते हैं। तो वो वहीं पर खड़े होकर मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, और हमने एक स्माइल एक्सचेंज करी और फिर मैं वहीं रुक गई और वो पहले बाहर आए और फिर मैं दुकान के अंदर घुसी। मैं इस बात को लेकर यहाँ पर बहुत खुश थी कि लोग कितने ज़्यादा कॉशियस हैं, कितने जागरूक हैं इन लॉज को लेकर और इनको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया ये लॉज ब्रेक करते हुए तो आपको 25,000 यूरोज तक का जुर्माना हो सकता है, और 25,000 यूरोज का मतलब है इंडियन रुपीस 20 लाख रुपए। ये लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और सब लोग जागरूक हैं। साउथ ऑफ जर्मनी में हालांकि बहुत ज़्यादा केसेस हैं और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स साउथ ऑफ जर्मनी में हैं और उनसे मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे, तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है और यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, सिर्फ आप ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर निकल सकते हो, जैसे शॉपिंग आपको करनी है, खाने पीने का सामान लेना है। प्रधानमंत्री ने भी स्पीच दी जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि 21 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा इंडिया, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन लोग हैं वहाँ पे। जर्मनी एक कंट्री इंडिया का राजस्थान के बराबर है एरिया में, तो आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे 30,000 केसेस हैं जबकि फैसिलिटी इतनी अच्छी है यहाँ पर और फिर भी यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, तो इंडिया में जहाँ पे आबादी 1.3 बिलियन लोगों की है तो वहाँ पे कैसे इस चीज़ को रोका जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ना इसकी कोई दवाई है, ना इसकी कोई थेरेपी है, ना इसका कोई इलाज है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर पर रह के इस चीज़ को रोक सकते हो, कोरोना को फैलने से बचा सकते हो, तो क्यों नहीं। हमेशा से हमें अपनी ज़िंदगी से टाइम चाहिए होता है कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे ये सीखना था पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी कर रही हूँ, या फिर मुझे हमेशा से एक नई लैंग्वेज सीखनी थी, कुछ नया सीखना था, कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, हम हमेशा बिजी रहते हैं, कभी पढ़ाई में, कभी नौकरी में, कभी बिजनेस में, हमेशा हम बिजी रहते हैं। और ये 21 दिन हमें मिले हैं कि जब हम कोई एक नया स्किल सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इन 21 दिन को यूज़ कर सकते हो, मतलब अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा से यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहती थी, हमेशा से कैमरे के आगे बोलना चाहती थी, कभी भी मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था और कभी भी कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस या फिर पब्लिक स्पीकिंग मैंने कभी नहीं की थी स्कूल टाइम पे, तो हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं चाहती तो हूँ अंदर ही अंदर पर मैं कभी कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है शायद। पर इन 7 दिनों में मैंने घर पर बैठ के यही सीखा कि कैसे कैमरे के आगे बोलना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस हिसाब से बोलना है, किस स्पीड में बोलना है, और कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना है, और कैसे अपनी बात कम शब्दों में पहुंचानी है। तो ये चीज़ें आप खुद भी बैठ के घर पे कर सकते हो क्योंकि हमेशा हमारे पास कोई ना कोई बहाना हमेशा रहता है कि हम ये चीज़ इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ भी एक ऐसा जो एक चैलेंज हो, है ना, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओ, कुछ भी ऐसा, कुछ भी हो सकता है वो। और YouTube पे इतनी वीडियोस, इतना कुछ अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना इजी हो गया है और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस कोरोना को हम एक पॉजिटिव वे में लेके कुछ नया सीखें और अपने टाइम का यूटिलाइज़ करें, उसको वेस्ट ना करें, घर पर रहें। मैं चाहती तो मैं भी यहाँ से भागकर इंडिया आ जाती, मेरे घर वाले इतना बोल रहे थे कि आ जा वहाँ पे क्या कर रही है, पर मुझे पता था कि मैं
जहाँ हूँ वहीं सेफ हूँ, क्योंकि रास्ते में मैं जाऊँगी फिर कितने लोगों के मैं कॉन्टैक्ट में आऊँगी और कहीं ना कहीं से मुझे लग ही जाएगा, अगर मैं ट्रैवल करूँगी तो पक्का कहीं ना कहीं से मुझे लग ही जाएगा। इसीलिए मैंने अपने घर वालों को समझाया कि आप प्लीज़ वहीं पर सेफ रहो जहाँ पर हो और मुझे यहाँ पर सेफ रहने दो, मैं घर से नहीं निकल रही हूँ, मैं घर पर ही हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और अपनी जो चीज़ें मैं हमेशा से करना चाहती थी वो कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये वीडियो शेयर करते हुए कि मैं इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ। आप लोग भी ये सब कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो, अपने टाइम का यूटिलाइज करो और आई एम श्योर कुछ मुझसे भी अच्छा कर सकते हो। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करो ना, कुछ नया कुछ अच्छा करो ना। थैंक यू वेरी मच।